सुहागिन महिला की तरह गाय रानू को दी गई अंतिम विदाई। पूरा मोहल्ला हुआ गमगीन। 100 से ज्यादा साड़ियां चढ़ाकर दी विदाई। गाय और मनुष्य के बीच अगाध प्रेम की मिसाल बने 65 साल के भंवर सिंह प्लाटून कमांडर के पद से रिटायर हैं। सोमवार देर रात बीमारी के चलते उनकी गाय रानू ने घर के पास स्थित मंदिर के नजदीक अपने प्राण त्याग दिए। श्री भंवर सिंह ने बताया कि आज से 20 साल पहले मैं ग्राम भरड़ से एक 15 साल की गाय को अपने घर लाया था और उसका नाम रखा था रानू। घर में रानू के आने से परिवार के दिन बदल गए, संपन्नता आती रही। इस कारण उन्हें माँ की तरह पूजा जाने लगा और बेटी की तरह लालन पालन किया जाने लगा। रोते हुए श्री भंवर सिंह ने बताया कि रानू का साथ आज हमारे परिवार से छूट गया। ऐसे में अंतिम विदाई में वे सभी रस्में निभाई जा रही हैं जो कि परिवार के किसी सदस्य के निधन पर होती हैं। वो गाय माता को हमने अपने बेटे बेटी की तरह पाली थी मैंने। उस गाय को अपनी एक औलाद समझ ली थी। उसमें इतना जीव भर गया था कि वो मेरी एक माँ थी और उस माँ का आज स्वर्गवास हो गया। आप लोगों ने किस प्रकार से विदाई दी उसको? उसे उस माँ का बैंड ढोल बुलवा करके उसको पूरे मोहल्ले ने रीति रिवाज से, जो सारे रीति रिवाज होते हैं, उस रीति रिवाज से उसके हार फूलों से साड़ी पूजा पर अर्चना करके उस माँ को दफनाई गई। ना कि उसे किसी के दे करके उसे खिंचवाई या फिकवाई, नहीं। मैंने उस माँ को आज मेरी माँ का मतलब इतना आत्मा भर गई कि आज पूरे मोहल्ले ने कम से कम 100 साड़ी से ऊपर उसको ओढ़ाई गई और धूमधाम से उनको विदाई करी गई। गाय का क्या नाम था? रानू। गाय का नाम रानू था। उस गाय को जब भी लोग बोलते थे रानू आजा बेटा, वो सबके पास जाती थी, सबको लाड़ करती थी। उसने किसी के भी कोई नुकसान नहीं करा आज तक, ना किसी बच्चे को या किसी को मारती नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवर सिंह खींची। गाय से तो हमारी बहुत याद थी, बहुत प्रेम था। मेरे बच्चों ने भी गाय के दूध पी के ही बड़े हुए। वो अभी से गाय और लेटे भी रहता तो हमारे घर में आती थी गाय, उसको लांग के निकलती थी हमारे रानू से। गाय का नाम क्या था? रानू। आप जाने का कितना क्या गम है आप लोग? आपको बता दें कि मंगलवार को बैंड बाजे के साथ रानू की अंतिम यात्रा निकली। इस दौरान उनके दो बेटे बेटी और रिश्तेदार भी मौजूद थे। आपको यह भी बता दें कि किसी सुहागिन महिला के अंतिम यात्रा में जो रस्में होती हैं, वह सभी रस्में रानू की अंतिम यात्रा में भी हुई। गाय को सुबह नहलाया गया, पूर्ण श्रृंगार कर करीब 100 साड़ियां रानू को उड़ाई गई। इसके बाद नगर पालिका के वाहन से बैंड बाजों के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरे मोहल्ले की आंखें नम थी। शव यात्रा शहर से होते हुए लालबाई फूलबाई मंदिर के पास ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंची, जहां हिंदू रीति रिवाज से गाय के शव को दफनाया गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए साजापुर से शैलेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।